ना भैया, ये गेट 2018 फोर्थ फाइव में पेपर हुआ था इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का, उस उनके सॉल्यूशंस है अभी एप्टीट्यूड के डाल रहा हूँ। जितने भी वीडियोस बनेंगे उनका डिस्क्रिप्शन में, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, सो इंग्लिश का बेसिकली। सो इंग्लिश के क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल वार्निंग, ध्यान रखना ये वार्निंग है, ठीक है। वार्निंग देने के बावजूद, बार बार वार्न करने के बावजूद, ही डिड नॉट करेक्ट हिज डैश बिहेवियर, यानी कि वार्निंग नेगेटिव बिहेवियर के लिए मिलेगा कुछ, ठीक है। सो जो भी आएगा वो नेगेटिव टोन में होना चाहिए। सो जोवियल इज नॉट फिट, ठीक है। गुड बिहेवियर नॉट फिट, ठीक है। एरेटिक बिहेवियर आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डी ऑप्शन अभी आपको नहीं पता है, डी ऑप्शन भी पॉजिटिव टोन में ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर डी ऑप्शन जब पता लग जाएगा तब देखेंगे बाकी। और सेकेंड क्वेश्चन इज, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर बराबर 2x-1, ठीक है। देन ही सेइंग व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है भैया। दो तरह से आप ये कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर होगा नॉर्मल, जो भी वे होता है, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4-4x-2x-1। एक्स स्क्वायर -4x-2x हो जाएगा -6x+4, एंड +1 हो जाएगा आपका +5=0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी फैक्टराइज्ड वेरी इजिली, बिकॉज दिस इज 5 × 1 एंड दिस इज 5+1 एंड हेयर इट इज प्लस साइन, इसलिए ये क्या होगा आपका x+5, ये माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे होगा x-5 x-1=0। दैट मीन्स एक फैक्टर आएगा आपका x=1 और एक आएगा आपका x=5। सो टू रूट्स, स्मॉलेस्ट वन इज 1, ठीक है। सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड से आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शंस हैं 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। नाउ अब आप ये देखें कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। इस तरह से आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मुझे बनाना है सबसे पहले एक्स माइनस टू होल स्क्वायर का ग्राफ, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करना है 2 से, ठीक है। सो दिस इज वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लॉटेड विद एक्स एज अ वेरिएबल, ठीक है। नाउ अब मैं जब शिफ्ट करूंगा तो ये जो 0 वाला पॉइंट है ये चला जाएगा आपका 2 पे। सो दैट मीन्स इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये 0 को रीच करता होगा, ठीक है। सो दिस इज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ मैंने एक ग्राफ बना दिया, अब मुझे बनाना है दूसरा ग्राफ 2x-1। 2 मीन्स पॉजिटिव स्लोप, ठीक है भैया। सो किस तरह से बनेगा आपका, ये बनेगा आपका कुछ इस तरह से, पॉजिटिव स्लोप बनेगा और वाई एक्स प्लस सी, यानी कि ये इस तरह से -1 से जा रहा होगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ कट्स एट 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स देर आर 2x विच आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है भैया। सो आप ये देखें कि एक बार तो यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, और एक बार 2 के बाद कट कर रहा है, दैट मीन्स एक रूट तो होगा भैया आपका 0 से 2 के बीच में, ठीक है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका कौन सा आंसर है बैठेगा 1, ठीक है। सो ये बस एक ट्रायल मेथड हो गया, यहाँ से आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये पता लग जाएगा कि एक जो कटिंग पॉइंट आएगा वो आपका 0 से 2 के बीच में आएगा, दैट मीन्स 1 पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है भैया। सो अब आएगा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सो थर्ड क्वेश्चन इज, उसने हमें एक इक्वेशन दिया x² + x-1 = 0,
and he is asking what is the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. What is this value? ठीक है? So, अगर आप यहां से x निकालते हैं, then वो क्या आएंगे? Irrational number आएगा. ठीक है भैया? But उस irrational number को आप यहां put करोगे, तो बहुत ज़्यादा complex हो जाएगा. So, आप ये देखें कि मुझे एक यहां से pattern दिख रहा है. X square का square plus 1 by x square का square plus 2. Plus 2 करने से value change हो जाएगा ना. But plus 2 के साथ साथ minus 2 भी कर देंगे तो भी value same ही रहेगा. ठीक है? So, मैंने plus 2 और minus 2 कर दिया. ठीक है? इस minus 2 को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ. 2 के साइड में क्या लिखा है? एक तरह से 2 into 1 लिखा है ना. So, यहां लिख सकता हूँ मैं x square into 1 by x square. ठीक है? So, आप इस total को अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका x square plus 1 by x square का whole square minus 2. ये value आपको निकालना है. ठीक है? So, ये जो आपको value निकालना है, that is same as this. ठीक है? Now, अभी भी मेरा नहीं बैठा. ठीक है ना? तो मैं अब क्या करूँगा? इस x square plus 1 by x square को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? अब मैं इसको बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ भैया. माइनस टू ऐसे ही रहेगा. ठीक है? तो मैं अब क्या करता हूँ? x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 2. ठीक है? का होल स्क्वायर. अब आप यहाँ से देखें कि अब मुझे ये प्लस 2 लेना है या माइनस 2 लेना है, वो मुझे यहां से पता लगेगा. वो कैसे? डिवाइड होल इक्वेशन बाय x. तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस 1 बाय x इज इक्वल्स टू 0. दैट मींस x माइनस 1 बाय x इज इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक है भैया? सो मुझे बनाना है x माइनस 1 बाय x, जो कि यहां बन सकता है. और वो कैसे बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1 by x square minus 2 into x into 1 by x. a square plus b square minus 2ab. That means x minus 1 by x ka whole square plus 2. Bada bracket whole square minus 2. So, mereko ye nikalna hai jisme mujhe ye pata hai. Ye kitna bhi hai aapka? Minus 1 ka square. Minus 1 ka square yani ki 1. 1 plus 2 is 3, 3 square is 9, 9 minus 2 is 7. So, 7 is your answer. Now, आपका next question होगा DI का, data interpretation. ठीक है? तो उसने आपको एक graph दिया है. ठीक है? अब graph को आपको interpret करना है. ठीक है? उसने फिर 4 आपको options दिए हैं. ठीक है? So, सबसे पहले मैं आपको graph समझा देता हूँ. Graph में उसने दिया है, ये जो ब्लू कलर से लिखा है, दैट इज द ग्राफ ऑफ बर्थ ऑफ क्रो विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स. ठीक है? नाउ ये जो आपका रेड कलर से मार्क है डॉटेड, दैट इज द सेल ऑफ क्रैकर्स. ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स. ठीक है? नाउ ऑप्शन ए इज बर्थ ऑफ क्रो डिपेंड्स ऑन द सेल ऑफ क्रैकर्स. ठीक है? दिस डिपेंड्स ऑन दिस. B option is this depends on this, यानि कि उल्टा करके लिखा है. ठीक है? C option is there is a strong correlation between this and this. ठीक है? Correlation है. ठीक है? D option is birth of crow will influence the sale of crackers. ठीक है? So भैया आप ये देखें, birth of crow will influence the sale of crackers. बर्थ ऑफ क्रो इन्फ्लुएंस कर रहा है सेल ऑफ क्रैकर्स पे. थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट लग रहा होगा आपको. सो वो तो गलत ही है. ठीक है? बट जब भी एक इस तरह का ग्राफ आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये चीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है या फिर ये चीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है. बट ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है बर्थ ऑफ क्रो का एंड जो पैटर्न आपका सेल ऑफ क्रैकर्स का है, वो एक सेम एक जैसा पैटर्न आपको दिख रहा होगा. दैट मींस देयर इज सम रिलेशन. ठीक है?
बट कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। सो आप क्या कह सकते हैं कि भैया दोनों में कुछ रिलेशन है डेफिनेटली, बट आप ये नहीं कह सकते कि बर्थ ऑफ क्रो डिपेंड कर रहा है सेल ऑफ क्रैकर्स पे, या फिर सेल ऑफ क्रैकर्स पे डिपेंड कर रहा है कि बर्थ ऑफ क्रो क्या है, ठीक है। सो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ये नहीं कह सकते, बट देर इज अ को रिलेशन, दैट मीन्स सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है देर इज अ स्ट्रोंग को रिलेशन बिटवीन सेल ऑफ क्रैकर्स एंड बर्थ ऑफ क्रो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है भैया। नाउ आपका फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, नाउ नेक्स्ट आएगा आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। शी फेल डाउन फ्रॉम द डैश एंड शी गॉट मोर डैश देन हेल्प, ठीक है भैया। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में लिखा है STAIR, ये होता है भैया जो आपका जीना होता है, ठीक है, स्टेयर केस वो वाला स्टेयर है। और एक स्पेलिंग आपकी ये लिखी है STARE, ये होता है आपका घूरना, किसी को आग फाड़ के देखना, ठीक है भैया। अब लड़की गिरी है भाई, लड़की को घूर रहे हैं लोग, ठीक है भैया। शी गॉट मोर स्टेयर, लड़की को घूरा ज्यादा गया उसकी हेल्प करने के बजाय, कब, जब वो स्टेयर से गिर गई, ठीक है भैया। शी फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर, सीढ़ियों से गिर गई, एंड शी गॉट मोर स्टेयर देन हेल्प, लोग घूर रहे थे बजाय कि उसकी हेल्प करें, ये इसका मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, देर इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल भैया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कि अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तीनों साइड जिसके बराबर होती हैं वो इक्विलेटरल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है भैया। नाउ ही सेइंग दैट द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3, देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, पैरामीटर क्या होगा, ये जो तीनों साइड्स का जो सम होगा दैट इज 3a, ये आपका पैरामीटर होगा। सो यू नीड ओनली वन थिंग दैट इज a, आपका पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। सो एक चीज निकालनी है तो एक इंफॉर्मेशन उसने दी है, ठीक है भैया। सो अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है जो कि होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, यहां से आपका ए आ जाएगा 2, ठीक है। सो 2 × 3 हो जाएगा आपका 6। अगर आपको एरिया नहीं पता, ठीक, कि एरिया का फॉर्मूला ये होता है, देन आपको किस तरह से करना होगा भैया, ये 60 डिग्री है, ये टोटल ए है आपका, ठीक है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, देन बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिमेट्री है, इसलिए ये जो है बिल्कुल कहाँ पे गिरेगा, मिड पॉइंट पे गिरेगा। सो द परपेंडिकुलर वुड फॉल ऑन द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका a/2, और ये भी कितना होगा आपका a/2, ये कितना है आपका a, ठीक है। सो ट्राइंगल ए, इसको डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी। सो ट्राइंगल ए डी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, उससे ए डी लग जाए, ए डी मिल जाएगा आपको। या फिर इंस्टेड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये 60 डिग्री पता है, 60 के सामने जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूस। सो भैया आप sin 60 लगा दें, sin 60 बराबर परपेंडिकुलर यानी कि ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि आपका ए। सो ए डी इज इक्वल्स टू ए sin 60, दैट मीन्स √3/2 × a, ठीक है भैया। सो नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है भैया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ, बेस क्या है आपका ए, इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज ए डी, ए डी कितना है √3/2 a, कितना दिया हुआ है दैट इज √3। सो यहां से आप देख लेना √3/4 a² ही आ रहा है, ठीक है। सो √3 से √3 कैंसिल, ए बराबर आ जाएगा आपका 2, 2 × 3 हो जाएगा आपका 6, ठीक है। सो कैसे भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से,
फॉर्मूला नहीं पता है तो सिमेट्रीज है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड एंड टाइम, ये सब जो होता है. ठीक है, सो मैं ब्लू पेन ले लेता. तो भैया एक आदमी है, वो ए पॉइंट से चला और बी की तरफ बढ़ा. ठीक है, सो जब वो ए से बी गया, देन ही वेंट विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो गया. ठीक है भैया, फिर वो बी से वापस आया, उसी रूट पे आया. ठीक है, सो वो बी से वापस ए पर आया, उसी रूट से आया. दैट मींस डिस्टेंस इज सेम एज प्रीवियस केस, बट वो अब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया. ठीक है भैया, सो ही इज आस्किंग व्हाट इज द एवरेज स्पीड. ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा भैया, 60 प्लस 90 बाय 2, दैट मींस 150 बाय 2, दैट मींस 75. और ये आपका हो जाएगा यहां से गलत. ठीक है, वो क्यों, क्योंकि अगर आप एवरेज के हिसाब से सोचें, ठीक है, एवरेज के मतलब के हिसाब से, तो ऐसा आप तब कर सकते थे कि अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर अगर सपोज टी टाइम के लिए चलता, ठीक है, और 90 किलोमीटर पर आवर भी सेम टाइम के लिए वो चलता, देन आप कह सकते थे 60 प्लस 90 बाय 2 इज द एवरेज स्पीड. 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, 90 भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल कि ये सपोज 30 मिनट्स के लिए उसने स्पीड रखी 60 किलोमीटर पर आवर, और 30 मिनट्स के लिए ही 90 रखी, देन अब एवरेज स्पीड ऐसे आप निकाल सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में अगर यहां से यहां उसे एक्स को ट्रेवल करने में T1 टाइम लग रहा है विद 60, तो अब बी टू ए फॉर द सेम डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड अब उसे T2 टाइम लगेगा. सो T1 टाइम के लिए 60 है, T2 डिफरेंट टाइम के लिए 90 है, इसलिए एवरेज ऐसे नहीं निकलेगा. सो भैया मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से कर देता हूं, ए टू बी लेट द डिस्टेंस बी एक्स, एंड बी टू ए डिस्टेंस इज अगेन एक्स बिकॉज उसने रूट वही लिया. ठीक है, स्पीड क्या रही भैया यहाँ, 60 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर में, इसलिए मैं इसको किलोमीटर में ले रहा हूँ, ये भी किलोमीटर में. बी टू ए क्या स्पीड रही आपकी, 90 किलोमीटर पर. सो यहाँ टाइम कितना लगेगा भैया आपका, ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम. यहाँ कितना लगेगा, एक्स बाय 90. एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज एक्स प्लस एक्स, दैट मीन्स 2x. टोटल टाइम इज एक्स बाय 60 प्लस एक्स बाय 90. नीचे आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, 180. यह आएगा आपका 3x प्लस 2x, और ऊपर हो गया आपका 2x. सो यह आएगा 2x डिवाइडेड बाय 5x इंटू 180, और यह आएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है भैया, नाउ अब अगर उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा है, ठीक है, देन किलोमीटर पर आवर में देना है. अगर उसने मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो ये 72 है, तो मीटर पर सेकंड में 20 आएगा जहां तक है. ठीक है, सो 20 मीटर पर सेकंड अगर मीटर पर सेकंड में पूछा है. मेरे ख्याल से NET टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको कीबोर्ड से पुट करना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इसका. ये क्वेश्चन बस इसीलिए अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर इस वजह से लोग गलत करके आएंगे. ठीक है, बट एक्चुअल क्या है, ये है.